बेटा, लेक्चर नंबर 13 में आज मैं आपको सिखाऊंगा विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग। तो बेटा इसकी पहचान होती है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मुख्य क्रिया के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे शब्द आएगा, उसके लिए हम विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे फॉर एग्जांपल एज तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यू विल हैव टू डू दिस वर्क। अगला एग्जांपल, मुझे आज अपने घर जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो टू माई हाउस, ठीक है बेटा। आई और बी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग करोगे, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव टू का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसे यह खट्टा सेब खाना पड़ेगा। ये यूज आपको मैं बता चुका हूँ एक लेक्चर में, कम्बाट में, विस्तार से देख लेना। तो कम्बाट में ही विल हैव टू ईट, खाना पड़ेगा। कैसा? यह खट्टा सेब, तो ईट दिस श्योर एप्पल, ठीक है बेटा। इस यूज को नोट करें और इसे समझें और इसके आधार पर बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो। अंडरस्टैंड? थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हाँ बच्चों, एक विशेष सूचना, ये जो मैं यूज पढ़ा रहा था आपको, तो यूज आज मैंने सारे पढ़ा दिए, समाप्त कर दिए, ठीक है। अब सारी कार्रवाई आपकी किताब से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सेंटेंसेस, सेंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब सारी चीज़ क्रम से चलेगी, किताब से चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।